ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग हमारी इंडस्ट्री को खराब करते हैं, जो कि न्यू फेसेस होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें मिसयूज किया जाता है और इस तरह से बजट लिया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है। सिंपल ऐसा जैसे आपके सामने अपने शो को वो क्या कहते हैं फेमस करने के लिए उन्होंने किया सब कुछ, और जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे शो फेमस हो गया लेके लड़कों को लड़के को आगे ये आपके साथ मॉडल है जी भी, ये भी मॉडल है, इनसे भी चार्जेस लिए आपसे भी चार्जेस लिए गए कितना तो आप लोग क्यों पे करते हैं इस तरह? पे इसलिए करते हैं कि हमारी थोड़ी सी रिटायरमेंट होती है इनकी वजह से, थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमें करवाते हैं, ज़्यादा भी नहीं करवाते हैं, जितने पैसे थे उस हिसाब से करवाते हैं, इसलिए 15 ले रहे हैं, 10 भी ले रहे हैं, जितने पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंस करवाते हैं। आपका ये कहता है कि ये टैलेंट के साथ ज्यादा है? बहुत ज़्यादा है, जैसे हम सब एक प्रोफेशनलिज्म में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ठीक है, हम 3 साल से प्रोफेशनलिज्म में हैं, लेकिन जो भी न्यू फेसेस हैं बेचारे कोई अफोर्ड कर सकते हैं, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, उनके लिए तो बहुत गलत बात है, 10-15 हज़ार की बात नहीं। आप करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ, हर बंदे के अंदर टैलेंट है ठीक है, पर वो इसमें पूरी की वजह से पीछे रह जाता है जब उसे पैसे। वैसे आपसे डिमांड किसने की है और लिए किसने थे? जिसने शो करवाई वसीम, उसका कोई नाम तो होगा ना? वसीम। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी कोऑर्डिनेटर से पैसे लिए हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है मैं हर बंदे को चांस दूँ।